हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। हेलो। हेलो। हाँ नमस्कार सारुख जी, बात कर रहे हैं सर, जी? स्मार्ट कॉइन से 12,000 का लोन लिए थे, उसका पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हो सर आप? लोन का पैसे ऐसे रिकवरी करते हैं? ऐसे रिकवरी करते हैं, पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हो लोन का पैसा आप? अभी तो ये रिकवरी करना भी नहीं आता, पहले ट्रेनिंग ले फिर रिकवरी करने जा। पहले पेमेंट करो, ठीक है? बकवास बातें मत करो यहाँ पे। लोन लिया तो पेमेंट करो। बाबू इतना बाबू पहले सुन ले, पहले बताओ, बताओ। पहले ट्रेनिंग ले और DRA भी कर साथ में, ठीक है? उसके बाद रिकवरी करते हैं। अच्छा, ऐसा बात है क्या सर? हाँ अच्छा ठीक है, ये बात छोड़िए, पेमेंट क्यों नहीं क्या बताइए? पेमेंट पेमेंट तो देखो बाद में होगी, पहले तुम जो है ना अकाउंट में पूछ रहा हूँ, नहीं है क्या पैसा? नहीं क्या? नहीं, 12,000 का जो लोन लिया था क्या नहीं था? क्या कोई नहीं थे घर वाले? नहीं दिया क्या? कोई नहीं दिया? नहीं दिया यार, कोई नहीं, नहीं दिया। पैन कार्ड है? ओहो, इसीलिए आपने लोन लिया? हाँ। इतना जानकारी आपको, इतना नॉलेज है सब कुछ में? हाँ हाँ लिया तो, लोन लिया तो पेमेंट का नहीं पता नहीं क्या सर आपको? पेमेंट करते भी है? अच्छा पेमेंट करते भी है, इतना अच्छा नाम है शाहरुख। हाँ, आधार कार्ड पैन कार्ड फोटो, तेलंगाना से फोटो देते हो, पेमेंट करने में क्या दिक्कत होता है? पहले ना, पहले ना DRA करके ऑथराइज हो जाए तेलंगाना से। आपको इतना नॉलेज है क्या सब कुछ इस चीज में? अबे मैं सीनियर एजेंट हुआ करता था कभी। अच्छा सीनियर एजेंट हुआ करता था, इसीलिए पेमेंट नहीं करो क्या लोन का पैसा? हाँ, अब तो मुझे गाना सुनने दे, मजा आ रहा है, मजेदार गाना। आपका जो कोई लाइन पर हो, फादर नाम क्या था? छोटू, छोटू देनाज। 1995 है ना डेट ऑफ बर्थ? ओनली सर, ओनली 1995 है, ठीक है? 2.5 साल का उम्र हुआ है, ज्यादा उम्र नहीं हुआ है। हेलो, क्या हो गया सर, साइलेंट हो गए? हाँ बता ना, बोल तू तो बोलता। हाँ, मुझे लगा तो चले गए बोल के सर। हेलो, हाँ जी, पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है? लोन लिया था पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है मिस्टर शाहरुख जी, बताइए? तेरी अम्मी की जगह बता दो दी, पैसे नहीं दे रहा। खाली बकवास बातें करना जानते हो? बकवास का पहले DRA कर ले, अपना जो बेटा भी तो छोटा है। पेमेंट का लोन सीनियर एजेंट का मतलब भी छोटा है, ठीक है? सीनियर एजेंट का मतलब भी छोटा पहले बोलो बोलो बेटा, लोन लेता पेमेंट करना है बोलो। This is a payment reminder call regarding your loan. Hello? मैं कह रहा मोहित जी। हेलो, हाँ मोहित जी। हाँ बता। हेलो मोहित जी। अरे बोलो बोलो भाई बोलो। अगर अड़सठ सौ 35 नहीं है तो रिस्ट्रक्चर करवा लो। क्या करवा लो? रिस्ट्रक्चर। रिस्ट्रक्चर करवा लो, क्या फायदा? EMI बढ़ जाएंगे और क्या? अब ये तो कह रहा हूँ EMI बढ़ जाएंगी और EMI अमाउंट छोटा हो जाएगा। हाँ तो कोई फायदा थोड़ी है, कम से कम भर तो दोगे। नहीं बोल तो रहो, दो तीन महीने बाद देखता हूँ उसको। बाकी ऐसा सर, कितने से लोन ले रखा था? चार चार कॉल कनेक्ट करके तुम मेरी को भी सुना रहे हो? अरे मैं सुना थोड़ी रहा हूँ, वो चारों को एक कॉल पे हैंडल कर लेता हूँ। मैंने ना कम से कम ऐसे ले रखे हैं 15 से 12 लोन। 15 से 12 लोन? हाँ जी। एक मिनट आप होल्ड करो, भाई तुम बोलो, दूसरे वाले आए बोलो, क्या बोल रहे हो जल्दी बोलो। अरे भाई साहब, 1-to-1 में बात कर लो ना, ये कैसे एक साथ सबको लाइन पे ले लिया? अरे तो एक एक करके निपटा दो, उनको निपटा दिया, तुम बोलो जल्दी से। एक एक करके कहाँ निपटा रहे सर? इनको इनको पहले फ्री करो, फिर मेरा कॉल उठा रहे, समझे? वो तो किया बाबू, तू बोल तो सही, 1-to-1 में बात करना बाबू। चल फिर कॉल काट। क्यों मोहित जी, अभी तो यहाँ पे क्या अपनी मम्मी की आवाज सुनने आया है? भाई साहब एक सबसे बड़ी बात, तमीज से बात करो। तमीज नहीं दे रही ऐसी तेजी में? मैंने अपना लिया था। मोहित जी हाँ आप बोलो। मोहित जी इनका कॉल हो गया कट? हाँ इनका कॉल हो गया, ज्यादा बोल रहा था अभी। एक तो इसको ना, एक तो पता है क्या होता है, सुनो भाई साहब सुनो मेरी बात तो सुनो, मोहित जी सुनो मेरी बात सुनो, ये ना एक तो बिना DRA के आ जाते हैं मुंह उठा के। हाँ तो इन्हें तमीज नहीं है बिना DRA के, वो बेरोजगारी बहुत है, ले लेते हैं 8-8 हजार 17 हजार 12 हजार में। कोई बात है, और ये तमीज से बात नहीं करते। अरे नहीं, आपसे तो बहुत प्यार से, आपसे तो बहुत प्यार से, आपने तो देखो प्यार से बात की, प्यार से बात करूंगा मैं तो। देखो आपसे शुरुआत की, पहली बार बात कर रहा हूँ, प्यार से ही करूंगा।
और पहली बात है, दूसरी मैं हर बार प्यार से ही बात करता हूँ, मेरे को चिल्लाना ही पसंद नहीं। नहीं सर देखो, चिल्ला के कोई फायदा नहीं है। आप देखो, अगर मान लो आप गाली बक दो, मान लो हम भी जानते हैं सर चिल्ला के कौन सा पैसा निकल नहीं, वही तो अगर मान लो आपने गाली बक दी मुझे, ठीक है, और मैंने इधर भी नहीं निकलेगा, नहीं मैंने अपने तरफ से चार गाली बक दी, आपने अपनी तरफ से चलो आठ बक दी, तो गाली बक का मुंह गंदा होगा, कुछ वैसे भी नहीं करने वाला किसी का। तुम भी सही बात है, ये बात हम भी कह सकते हैं, चल ठीक है, तू जितनी गाली बकरा बक ले, अगर मैंने पैसे दे दिए फिर मैं तेरे को क्या कहूँ, वही तो गाली बकूं, वही वाली बात है ना। बाकी सर जो है ना, सही बताऊं, आप जैसे एजेंट बहुत कम आते हैं, क्योंकि एजेंट बहुत जो है ना, जितने भी है, तो कम से कम 80% तो बिना डीआरए के, उन्हें बोलने की तमीज नहीं है। नहीं बिना, आप बिना डीआरए के उन्हें बोलने की तमीज नहीं, आप जैसे लोग कम आते हैं सर। अच्छा लगा आपसे बात करके सर, कोई बात नहीं सर, आप ऐसे ही सर सही सलामत रहना, दुआ है मेरी। अरे बिल्कुल सर, हम तो यार देखिए सर, हम मैं आपको बताऊं, मोहित जी, मैं तो जब भी किसी से बात करता हूं चाहे कुछ कितना लेट कर रहा हूं, मतलब प्यार से ही बात, क्योंकि सर आपको पता होगा जैसे लोग डरा देते हैं ना सर, लीगल होगा वगैरह वगैरह एजेंट बोलते हैं ना ये। अरे सर हाँ, तो सर वो जो है ना, वो इन चीजों से ना सामने वाला बहुत से मेरे सामने केस में सुसाइड कर लिया लोगों ने, तो ये अच्छी बात थोड़ी है। एक ने ना क्या किया, एक ने ये बोल दिया कॉल कर कि अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो अपनी मार्जिन को भेज देना, तो उसने ना सुसाइड कर ली इतनी सी बात पे। कुछ मिल गया वही तो सर, सामने वाले ने सुसाइड कर लिया, और इतनी बदतमीजी, बताओ बोलने की जरूरत थोड़ी है कि अपनी मार्जिन को भेज दे, पैसे नहीं है बोल के कोई फायदा थोड़ी है। मैं ये कह रहा हूँ कुछ मिल गया, कुछ नहीं मिला, कुछ मिल गया हो तो बताओ। बाकी अगर मेरे साथ ऐसा कोई केस होता है ना, मैंने तो क्लेमिंग कर रखी है, मैं अपनी तरफ से ना मैंने एक AKM मंगा रखी है, AK-47 जिस एजेंसी की तरफ से बदतमीजी होगी, भाई साहब एक वीडियो प्रॉपर बना के मैं जा रहा हूँ इस एजेंसी में मारने, इसमें बदतमीजी की थी, सबको मार के फिर मरूंगा मैं। सही बात है, आ रहे पार। हाँ देखो भाई, जब मरूंगा तो अकेले थोड़ी मरूंगा, 50-60 तो लेके मरूंगा। चलो मेरे को तो बता दो कम से कम। देखो सर सही, सही, सही में सर प्यार से, प्यार से बिल्कुल बहुत सर, बिल्कुल बहुत प्यार से सर, वाकई में मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मैं फंड इशू बता रहा हूँ सबको, आपको भी मैं यही कहूंगा कि अभी पेमेंट हो नहीं पाई अभी ना सर। मेरी आप ना, मैंने आपकी सारी बात मान ली, मेरी एक भी एक बात मान लो, अगर पैसे नहीं हो पाए तो रिस्ट्रक्चर आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है सर। क्या फायदा रिस्ट्रक्चर करा के भी पेमेंट ना कर पाऊं मैं, क्योंकि सर मेरी ना मेरी प्रॉब्लम क्या है ना, मैं अभी जो है ना जॉबलेस हूँ, बाकी मैं किसी समय ना KKB एसोसिएट नाम की एजेंसी में सीनियर एजेंट हुआ करता था। हाँ तो अभी तो मैं जॉबलेस बैठा हूँ, और मेरे जो है ना थोड़ा ब्रदर का हेल्थ इश्यू चल रहा था, अरेंजमेंट करके उधर दे दिया मैंने पैसा, क्योंकि भाई जरूरी है ना पहले। अरे भाई भाई थोड़ी है पैसा, वैसा तो उतना रहता है पैसा, क्या है सर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा आपको बताइए, अनसिक्योर लोन है, अगर मैं नहीं दे पाया तो कुछ नहीं होगा, बस एग्जीक्यूटिव आएंगे घर पे आ गए तो भी, और बाकी तो कॉल पर ही बात चलती रहेगी। अब सर अगर सिविल मान लो मेरा खराब भी हो जाए तो सर सिविल को देखोगे, भाई को देखो पहले, भाई है ना, सिविल तो होने दो, कोई नहीं। सिविल क्या है सर, सिविल तो हो जाएगा। और सर भाई जो है मेरा, मेरी जान से प्यार है, भाई से बहुत ज्यादा प्यार है मुझे। वो तो बात सर, भाई भाई आज के टाइम पे भाई का ही नहीं हुआ तो किसका नहीं हुआ। नहीं सर वो आज के टाइम में झगड़े वगैरह भी चलते हैं ना भाइयों में, हमारे अंदर वो वाली आदत नहीं, हम दोनों एक दूसरे बहुत प्यार करते हैं। सही बात है ना सर, ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि तो सर आपको मैंने अपनी प्रॉब्लम बता दी सारी। आपकी आवाज कट गई है, आपकी आवाज कट रही है। मैं कहूंगा फिर भी आवाज कट रही है, साफ आ रही है। हाँ आ रही है सर, आपने इतनी बात हम पैदी में सर, आपके हाथ में एक ऑप्शन होता है DND का, DND डी सर, आपकी आवाज फिर कट रही है, बाकी शायद आपको साफ आ रही होगी, मेरी आपको आ रही है ना। हाँ तो सर आपके हाथ में ना एक DND का ऑप्शन होता है, अगर हो सके तो आप मेरी थोड़ी सहायता कर दीजिए, एक हफ्ते के लिए कुछ दिनों के लिए इस पे DND लगा दीजिए। सर यहाँ नहीं होता DND। अच्छा यहाँ नहीं होता सर, आप एजेंसी से बोल रहे हो ना। नहीं सर एजेंसी नहीं, हमारी कॉल सेंटर है सर। अच्छा कॉल सेंटर, क्या नाम है सर आपकी कॉल सेंटर का सर? 5K। 5K अच्छा सर ठीक है, आपके ऑप्शन नहीं है कोई नहीं। हमारे में ऑप्शन नहीं होता सर। ठीक है सर, एजेंसी आप सही कह रहे हो, एजेंसी होती तो होता, यहाँ नहीं है सर।
रिमाइंड किया जाता है और पेमेंट ली जाती है बस। ओके सर, तो बाकी सर मैंने आपको अपनी प्रॉब्लम बताई दी है, बाकी सर अब इस पे कॉल बैक लाओगे आगे तो सिस्टम जनरेटेड कॉल है, कॉल तो आती रहेगी। सर फिर भी मैं तो इतना ही कहूंगा, अगर देखिए आपने जो बताई है प्रॉब्लम्स, मैं आपकी बात को समझता हूँ, कंडीशन वगैरह सब कुछ समझता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है सर। बट मैं तो फिर भी इतना कहूंगा कि ज्यादा नहीं अगर आप तो भाई तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि आप एक बार इन करके कर लीजिए। कोई नहीं, आपको देखो आपने इतनी बार बताई मेरे को भाई, इतनी सर मैं वही तो बता रहा हूँ, मैंने अरेंजमेंट करके ना आपको देखो तो दो तीन महीने का नहीं कह पाऊंगा, पर देखो वो मेरा काम है, चीज को बुरा मत मानना, वो मेरा काम नहीं सर। वो तो देखो सर मैं बताऊँ तो आपकी जो है ना जॉब है और उधर से आपके ऊपर होता है प्रेशर टीएल का। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आप समझ रहे हो ना सारी बात, तो आप समझ बताओ। बाकी सर आपका तो कहने का काम है, लेकिन सर मैंने ना अरेंजमेंट करके अपने भाई को दे दिया। अब मैं आप सभी के लिए अगर मैं अपनी देखो कलेक्शन की लैंग्वेज में बोलूं तो सर आप इस पे ना सर सुने अगर फिर भी सर देखिए अगर हो पाए ना तो एक ई एम आई करा दीजिए। मैं आपसे सारी ईएमआई की नहीं कह रहा, जो आपने ट्यूब कर रखी है एक ईएमआई करा देना, अरेंज हो सके तो। ठीक है ठीक है सर, मैं आपको दोबारा कॉल अक्सर मैं कॉल नहीं करूंगा, मैं आपको मैसेज कर दूंगा आपका, तो बताओ। ठीक है सर, मैं हो सकता है तो देखूंगा, बाकी ना मैंने अरेंजमेंट करके भाई के वही बताया ना वहाँ पे दे दिया पैसा। नहीं सर, अगर आप जैसे कस्टमर होना चाहिए मुंह पर बात कहने वाले थे सर, किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है। अरे सर आप यकीन नहीं मानोगे तो आप एक समझदार हो, आपने समझ ली मेरी बात। अभी बहुत से कॉल ऐसे आते हैं, समझदारी वाली बात नहीं, इंसानियत होती है। हाँ सर बहुत से कॉल आते हैं ना, उनको बता दूं मैडम मेरा फंड इश्यू है इस कारण मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा, लड़कियों के आते हैं कॉल कल। कोई बात नहीं तो सर वो पीछे पड़ जाती है। कोशिश करना सर, हो सके आप अरेंज हो जाए, मैं आपको कल नहीं परसों नहीं आपको सीधा 17-18-19 को कर लूंगा कॉलेज। ठीक है सर, मैं जो है ना कोशिश करूंगा, बाकी ना मेरे ऊपर थोड़ा वैसे भी लोन होगा तो पर्सनली कोशिश करता हूँ। कोई नहीं सर, 6800-3500 रुपए की बात है, अगर रिस्ट्रक्चर का अमाउंट जानना चाहते तो रिस्ट्रक्चर का भी अमाउंट बता देता हूँ मैं, 5840 रुपए, 5840। तो सर मैं वो बताना पड़ेगा ना, यदि मैंने बताया ना पर्सनल लोन भी मेरे ऊपर, सोच के बताऊंगा। ठीक है सर, नहीं वो तो बात आपकी थी, तो देखिए कुछ करना है एक बार, मैं ये नहीं कह रहा अब पैसा हो से ना हो, मैं 19 तारीख को कॉल करूंगा उठाने से मेरा, और क्या सर इंसान का विश्वास यही बात होती है कि हाँ पैसा नहीं है, कम से कम बंदे ने फोन खा के बताया तो सही, ये बहुत बड़ी बात होती है। दोस्तों आइए साथ मिलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं, ये जो रिकवरी एजेंसियां हैं, रिकवरी एजेंट हैं, या फिर यूं कहूं कि बैंक और एनबीएफसी हैं, जो हमारे अधिकारों को कुचलकर रिकवरी करते हैं, इनसे अपने अधिकार छीनते हैं, लड़ते हैं, अपने अधिकार मांगते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।